क्या आप जानते हैं कि बुलेट में फ्यूल मीटर क्यों नहीं होता है? या फिर क्या आपको उस देश के बारे में पता है जो नागरिकों को फ्री में जमीन बांट रहा है? क्या आप जानते हैं कि कैब के बीचों बीच में बटन जैसी आकृति क्यों बनी होती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर वन, आज तक आपने कई तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे जो घर और गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ औषधीय तत्वों से भी भरपूर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी लिपस्टिक प्लांट के बारे में सुना है जो कई सदियों में सिर्फ एक बार ही खिलता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के एंजॉ जिले में एक खास प्रजाति का फूल पाया जाता है। स्थानीय लोग इसे लिपस्टिक प्लांट के नाम से जानते हैं क्योंकि इस पौधे में उगने वाले फूलों का रंग और आकार बिल्कुल लिपस्टिक की तरह होता है। इतना ही नहीं, इस पौधे के फूलों से बहुत ही गहरा रंग निकलता है जिसे होंठों को रंगने के लिए लिपस्टिक के रूप में यूज किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस अद्भुत पौधे की खोज सबसे पहली बार साल 1912 में की गई थी, जिसके बाद लिपस्टिक प्लांट को कई सालों बाद साल 2021 में दोबारा से खोजा गया था। ये पौधा कई मीटर की ऊंचाई पर जंगलों में उगता है जिसके फूल अक्टूबर से जनवरी के बीच निकलते हैं। फैक्ट नंबर टू, दुनिया में कई देश हैं जहां इंसानों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपने घर में कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों को पालतू बनाकर रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां इंसानों की आबादी से ज्यादा बिल्लियों की जनसंख्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस देश का नाम साइप्रस है जो पूर्वी भूमध्य सागर के पास है। साइप्रस में बिल्लियों की संख्या इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पब्लिक प्लेस से लेकर किसी भी ऑफिस में बिल्लियों को आराम फरमाते हुए देखा जा सकता है। कहा जाता है कि कई साल पहले रोम की रानी सेंट हेलेना मिस्र से अपने साथ ढेर सारी बिल्लियां लेकर साइप्रस देश पहुंची थी, क्योंकि उनके देश में जहरीले सांपों की संख्या काफी ज्यादा थी। रानी ने सोचा कि अगर देश में ज्यादा बिल्लियां होंगी तो उन्हें देखकर सांप भाग जाएंगे। इस तरह बीतते वक्त के साथ देश में बिल्लियों की संख्या बढ़ती रही और आज यहां इंसानों से ज्यादा बिल्लियां और उनके बच्चे हैं, जिसकी वजह से साइप्रस को बिल्लियों का देश भी कहा जाता है। पुरातत्वविदों की माने तो इस देश में बिल्लियों को पालने की परंपरा बहुत ही पुरानी है, जहां कई प्राचीन कब्रों में इंसानों के साथ बिल्ली को भी दफन किया जाता था। वहीं स्थानीय लोग कीड़े मकौड़ों और चूहों को घर से दूर रखने के लिए भी बिल्ली पालना पसंद करते थे, जिसकी वजह से आज इस देश में इंसान और दूसरे जानवरों के मुकाबले बिल्लियों की आबादी ज्यादा है। फैक्ट नंबर थ्री, हर साल स्पेस में कई मिशन भेजे जाते हैं जिनमें से कुछ मिशन पर इंसान भी जाते हैं। स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर खाए जाने वाले भोजन से बिल्कुल अलग भोजन दिया जाता है, जबकि उनका रहन सहन और रोजमर्रा का जीवन भी अलग होता है। अंतरिक्ष में रह रहे यात्रियों को अपने खाने में नमक और काली मिर्च डालने की इजाजत नहीं होती है, फिर चाहे उनका खाना पूरी तरह से फीका ही क्यों ना हो। दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से नमक और काली मिर्च खाने में गिरने के बजाय स्पेस क्राफ्ट में इधर उधर तैरने लगेंगे। ऐसे में नमक और काली मिर्च किसी भी अंतरिक्ष यात्री की आंखों में घुस सकते हैं, जबकि ये मामूली सी चीजें स्पेस क्राफ्ट के किसी हिस्से से टकराकर उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जिम्मेदार भी हो सकती हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में अलग से नमक या काली मिर्च खाने से रोका जाता है, जबकि धरती पर इन चीजों का यूज करना बहुत ही आम बात है। फैक्ट नंबर फोर, आपने आज तक गर्म या ठंडे पानी से नहाया होगा जो शरीर को साफ रखने के साथ साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेक रिपब्लिक में चोडोवा प्लाना नाम के शहर में लोग पानी के बजाय बियर से नहाते हैं ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सके। दरअसल इस शहर में एक बियर स्पा है जहां आने वाले लोगों को बियर से भरे बाथटब में लिटा दिया जाता है। उस बाथटब का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसमें बियर गर्म होती है और यीस्ट अलग होने लगता है। यीस्ट बॉडी को विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल देता है, जिसकी वजह से त्वचा की गंदगी साफ हो जाती है और इसकी चमक भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इस बियर स्पा में बाथटब के साथ एक नल लगा है जिसमें 24 घंटे बियर सप्लाई होती है। इस नल से ग्राहक पीने के लिए ग्लास में बियर ले सकता है, जबकि उसकी मदद से अपने बाथटब को बियर से भर भी सकता है। आपको बता दें कि इस शहर में बियर स्पा इतना ज्यादा फेमस है कि यहां हर उम्र का व्यक्ति नहाने के लिए आना पसंद करता है ताकि वो लंबे समय तक हेल्दी और जवान रह सके। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया भर के विभिन्न देशों में लड़का और लड़की की शादी तय करने से पहले कई तरह के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है ताकि दूल्हा दुल्हन का वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लड़का और लड़की का रिश्ता तय करने के लिए सेब खाना जरूरी होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑस्ट्रेलिया के कुछ गाँव और कस्बों में रिश्ता तय करने के लिए सेब की अहम भूमिका होती है। इस रिवाज के तहत गाँव में हर साल एक आयोजन किया जाता है जिसमें कुंवारे लड़के और लड़कियां हिस्सा लेते हैं।
इस प्रोग्राम के दौरान लड़कियां अपने बगल में सेब दबाए रखती हैं, फिर लड़के एक एक करके लड़कियों के पास आते हैं और अपनी मनपसंद लड़की का चुनाव करते हैं। इसके बाद लड़कों को वो सेब खाना होता है जो लड़की ने अपनी बगल में दबाया है। जब लड़का सेब पूरी तरह से खाकर खत्म कर देता है तो उसके परिवार वाले लड़की से उसका रिश्ता तय कर देते हैं और फिर शुभ दिन पर उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। गाँव के लोगों का मानना है कि इस रिवाज को निभाने से लड़का और लड़की के बीच आपसी समझ और प्यार बना रहता है, जिसकी वजह से वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहते हैं और हर मुश्किल का सामना एक साथ करते हैं। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर जब किसी व्यक्ति के घर पर कॉकरोच हो जाते हैं तो वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता है, क्योंकि कॉकरोच गंदगी के साथ साथ बीमारी फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इन कॉकरोचों को अपने घर पर पालतू जानवर बनाकर रखते हैं तो उसके लिए आपको हर महीने लाखों रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये अजीबोगरीब ऑफर अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी ने दिया है। ये कंपनी कॉकरोचों को खत्म करने के लिए खास तरह की दवाई तैयार कर रही है, जिसे टेस्ट करने के लिए ढेर सारी संख्या में कॉकरोच का होना जरूरी है। कंपनी ने स्थानीय लोगों को एक ऑफर दिया है जिसके तहत उन्हें अपने घर में कम से कम 100 कॉकरोच पालने होंगे। इन कॉकरोचेस के बदले कंपनी उस व्यक्ति को हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए सैलरी देगी, जिसके बाद दवाई तैयार हो जाने पर कंपनी सभी कॉकरोचेस को इकट्ठा करके उन पर टेस्ट करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि दवा कॉकरोच को खत्म करने के लिए कितनी कारगर है। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों ने कैप जरूर पहनी होगी, जिसका इस्तेमाल गंजे सिर वाले पुरुष बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कैप के ऊपर बिल्कुल बीच में छोटे से गोल बटन को नोटिस किया है? आखिर इस बटन का क्या काम होता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस बटन को स्क्वैची के नाम से जाना जाता है। दरअसल कैप बनाने के लिए कपड़े के 6 अलग अलग टुकड़ों का यूज किया जाता है, जिन्हें बाद में एक साथ सिलाई करके जोड़ दिया जाता है। कैप को सिल लेने के बाद उसके सेंटर में थोड़ी सी जगह बच जाती है और वहाँ पर होल हो जाता है, जिसे कपड़े के किसी टुकड़े से ढक पाना मुश्किल होता है। कैप बनाने वाली कंपनियां उस हिस्से को एक गोल बटन से कवर कर देती हैं, जो कैप को आकर्षक लुक देने के साथ साथ उसकी कमी को छिपाने का काम भी करता है। इतना ही नहीं, ये बटन कैप के सभी टुकड़ों को आपस में जोड़े रखने का काम भी करता है, जिसकी वजह से ज्यादातर कैप में सेंटर में बटन होता है। फैक्ट नंबर 8, भारत के कई राज्यों में आम इंसान के लिए जमीन खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। यही हाल यूरोपीय देशों का भी है, जहां रेंट पर रहना भी कई लोगों के लिए महंगा साबित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को फ्री में जमीन बांट रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रूस सरकार ने साल 2016 में एक नई योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत देश के दूर दराज के इलाकों में नागरिकों को फ्री जमीन देने का वादा किया गया था। दरअसल रूस में कई इलाके, गांव और कस्बे ऐसे हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं और वहां इंसानी आबादी नहीं रहती है, क्योंकि उन इलाकों में रहने वाले लोगों ने बीतते समय के साथ शहरों की तरफ पलायन कर लिया था, जिसकी वजह से सरकार को उन जगहों के अस्तित्व को लेकर चिंता सताने लगी। सरकार ने उन खाली पड़ी जगहों पर नागरिकों को फ्री में जमीन देने की योजना शुरू कर दी, जिसके तहत जमीन लेने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक उसी जगह पर रहना होगा। सरकार की इस योजना के बाद कई लोग फ्री जमीन पाने के लिए रूस के दूर दराज के इलाकों में जाकर के लिए तैयार हो गए, जहां खेती और पशुपालन करने के लिए ढेर सारी खाली जमीन है। हालांकि इन इलाकों में बसने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, जिसकी वजह से सरकार ने अभी भी फ्रीलैंड की स्कीम को जारी रखा है। फैक्ट नंबर 9, आज के आधुनिक दौर में मार्केट में एक से बढ़कर एक बाइक है जो युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर है। जब कभी बाइक में पेट्रोल खत्म होने लगता है तो उसका फ्यूल मीटर इस बात की जानकारी चालक को दे देता है, लेकिन बुलेट इकलौती ऐसी बाइक है जिसकी क्लासिक या रेट्रो कलेक्शन में कभी भी फ्यूल मीटर नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल बुलेट की बाइक को जिस दौर में डिजाइन किया गया था उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बाइक पर फ्यूल मीटर लगाकर पेट्रोल की मात्रा का पता लगाया जा सके, लेकिन बीते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और बाइक पर फ्यूल मीटर को लगाया जाने लगा, जो टैंक के अंदर पेट्रोल की मात्रा बताने का काम करता था। लेकिन उस वक्त तक बुलेट का ब्रांड इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि कंपनी बाइक के लुक या डिजाइन में बदलाव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि लोगों को बुलेट का अलग डिजाइन ही पसंद आता था। कंपनी ने बुलेट के पुराने मॉडल को ही बरकरार रखा, जिसकी वजह से बुलेट के क्लासिक या रेट्रो कलेक्शन में फ्यूल मीटर को ऐड नहीं किया गया था। हालांकि इसके बावजूद भी बुलेट की बिक्री में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से कंपनी को यह एहसास हो गया कि उनका मॉडल दूसरी बाइक्स के मुकाबले अलग है और इसलिए कंपनी ने फ्यूल मीटर ऐड करने की जरूरत नहीं समझी। इस तरह बुलेट का पुराना लुक बरकरार रखा गया, जबकि उसमें नए फीचर्स को ऐड करके लोगों के बीच पेश कर दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।